हाय गाइस मैं हूं दीपिका और स्वागत करती हूं आपका दीपिका फियर बॉक्स में आज की जो मूवी हम रिव्यू करने वाले हैं वो है रॉन्ग टर्न मूवी शुरू होते ही हम रिच और हेली को एक जंगल में पहाड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं जब रिच ऊपर चला जाता है तो वो खुश हो जाता है वो हेली को बोलता है कि तुम भी जल्दी से ऊपर आ जाओ तभी अचानक हेली फिसल जाती है और हवा में लटक जाती है पर अपने आप को संभाल लेती है हेली रिच को अपनी मदद के लिए आवाज लगाती है पर वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता कुछ देर बाद अचानक से हेली के चेहरे पर कुछ खून की बूंदे गिरती है और जब वो ऊपर देखती है तो उसे रिच का हाथ नजर आता है और कोई रिच को वहां से खींच ले जाता है और रिच को वहां से उठाकर कोई नीचे भी फेंक देता है हेली बहुत ज्यादा डर जाती है तभी उसे भी कोई और ऊपर की ओर खींचने लगता है तभी हेली चाकू लेकर अपनी रस्सी को काट लेती है और नीचे गिर जाती है तभी वो देखती है कि रिच मर चुका है तभी वो कहीं से अजीब सी आवाज सुनती है और वहां से उठकर अपनी कार की तरफ भागने लगती है तभी उसका पैर नुकीले तारों में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है और हैली को वहां से कोई खींच कर ले जाता है मूवी यहीं से कहीं और शिफ्ट हो जाती है अब हमें कृष्ण नाम का बंदा दिखाया जाता है जो जॉब इंटरव्यू देने जा रहा है तभी वो ट्रैफिक में फंस जाता है और अपनी कार से उतर आगे जाता है और एक ट्रक वाले से पूछता है कि ट्रैफिक क्यों लगा है तब ट्रक वाला उसे बताता है कि आगे केमिकल का टैंक पलट गया है तभी क्रिश अपनी कार मोड़कर किसी और रास्ते की तरफ निकल जाता है और वहाँ से एक गैस स्टेशन पर पहुँचता है जहाँ उसे एक आदमी नजर आता है जो दिखने में एकदम पागल सा था वो अपने मोबाइल से कंपनी को कॉल तो करता है लेकिन उसे नेटवर्क नहीं मिलता उसके बाद उसके स्टेशन के फोन से कॉल करने की कोशिश करता है पर वहाँ भी फोन खराब होता है वो गैस स्टेशन मास्टर से पूछता है कि यहाँ से कोई निकलने का दूसरा रास्ता है या नहीं वहाँ का गैस स्टेशन का मालिक उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखा था तभी उसकी नज़र एक मैप पर पड़ती है जहाँ पर उसे एक जंगल का रास्ता दिखाई देता है और वो उस रास्ते की तरफ चल देता है थोड़ी आगे जाने के बाद उसे एक बोर्ड नजर आता है और दो रास्ते नजर आते हैं उस बोर्ड पर माउंटेन रोड लिखा होता है जिसमें से कृष कच्चा रास्ता चुन लेता है और उस कच्चे रास्ते की तरफ निकल जाता है अब जब वो आगे चलने जाता है, तब उसे साइड में एक हिरण मरा हुआ दिखाई देता है और उसे देखने के चक्कर में वो अपने आगे पड़ी हुई कार से जाकर टकरा जाता है और तभी वहाँ पर दो तीन कपल आ जाते हैं एक्चुअल में वो कार उन्हीं की थी सभी उससे पूछते हैं कि तुम्हें लगी तो नहीं तब कृष्ण उन्हें मना कर देता है और उन सभी से कार को बीचो बीच में खड़ी करने की वजह पूछता है तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम फ्रेंसी होता है वो बताती है कि किसी ने यहाँ पर कांटे वाले तार बिछा रखे थे और हमारी कार उस पर चढ़ गई और हमारी कार के टायर फट गए तभी वहाँ पर जैसी आती है और कहती है कि ये तार किसी ने जान बिछाए थे जिसकी वजह से हमारी कार के टायर फट गए उसके बाद जैसी कहती है कि हमें पिछले गैस स्टेशन पर चलकर फोन से कॉल लगाना चाहिए तब कृषि उसे कहता है कि मैं अभी वहीं से आ रहा हूं। वहां का फोन खराब है तब सभी पैदल ही आगे जाने का निर्णय लेते हैं पर उनमें से एक कपल जिनका नाम इवान और फैंसी होता है कार की निगरानी के लिए वहीं रुक जाते हैं ताकि वो सब मदद लेकर आ सकें सभी जब आगे जा रहे होते हैं तभी उन्हें वहां पर एक मरा हुआ नीबला दिखाई देता है फिर भी वो उसे नॉर्मल ही मानते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं वो सब जब साइड में देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ टायर जलते हुए दिखाई देते हैं फिर उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर कोई आदमी हो सकता है पर वहाँ पर कोई नहीं था दूसरी तरफ फैंसी और इवान वहाँ पर अकेले रह जाते हैं तभी इवान को झाड़ियों के पीछे से कुछ सुनाई देता है वो झाड़ियों की तरफ बढ़ता है और जंगल की तरफ चला जाता है जब वो नहीं लौटता तो फैंसी को डर लगने लगता है वो वो भी उसके पीछे चली जाती है तब उसे इवन का जूता और एक कटा हुआ कान मिलता है तब फैंसी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है तभी अचानक से कोई फैंसी को पीछे से पकड़ लेता है और तार को उसके जबड़े में रखकर पूरा जबड़ा चीर देता है और फ्रेंसी को मार देता है तभी वो चारों जो मदद के लिए गए थे एक हाउस में पहुंचते हैं जहां पर क्रिश दरवाजा खटखटाता है पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं उनकी नजर टेबल पर पड़ती है जहां पर खाने की चीजें रखी होती हैं पर वहां बहुत ज्यादा गंदगी हो रही होती है उन्हें वहाँ पर बहुत सारी कारों की चाबियां मिलती हैं तभी कैसी बाथरूम की तरफ जाती है और वहाँ पर उसे किसी का कटा हुआ हाथ दिखाई देता है एक तरफ क्रिश जब फ्रिज खोलता है तो उसे इंसानों के ऑर्गन्स नजर आते हैं और जब वो कुछ और सामान देखते हैं तब उन्हें वही नुकीले तार नजर आते हैं जिनकी वजह से उनके कारों के टायर फट गए थे ये सब देखते ही वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं तभी उन्हें कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग बाहर देखते हैं तो उन्हें बाहर कुछ गाड़ियां नजर आती हैं जो उनकी दोनों की गाड़ियों को खींच कर ला रही थी वो सभी पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं पर पीछे का रास्ता लॉक होने की वजह से वो लोग भाग नहीं पाते इसीलिए उन्हें घर के अंदर ही छुपना पड़ता है तभी वहाँ कुछ आदमखोर लोग आ जाते हैं और जहाँ पर केसी और क्रिश छुपे होते हैं वहाँ पर फैंसी की लाश डाल देते हैं वो दोनों बहुत डर जाते हैं तब वो आदमखोर फैंसी की लाश को उठाकर उसे काटने लगते हैं और कुछ देर बाद सभी आदमखोर खाना खाकर सो जाते हैं तभी कृष्ण और सभी लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं वो कैसे कैसे घर से बाहर तो निकल जाते हैं पर उनमें से एक आदमखोर जाग जाता है और उन्हें देख लेता है और सब वहीं से भागना शुरू कर देते हैं वहां से निकलने के बाद वो आदमखोर लोग उन्हें पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी लेकर उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं तभी वो आदमख उन सबको ढूंढ लेते हैं अब वो चारों आदमखोर की गाड़ी को चुराने का प्लान बनाते हैं तभी कृषि उनका ध्यान भटकाने के लिए उनके सामने से चिल्लाते हुए भागता है तभी एक आदमखोर उसकी टांग पर गोली चला देता है और कृषि झाड़ियों में गिर जाता है तभी वहां से स्कॉट आदमखोर का ध्यान भटकाने के लिए भागता है तभी कृषि को काली और कैसी उठाकर आदमखोर की गाड़ी की तरफ ले जाते हैं और वो उनकी गाड़ी चुराने में कामयाब भी हो जाते हैं लेकिन स्कॉट गाड़ी नहीं पकड़ पाता तब क्रिस गाड़ी लेकर आगे की तरफ पहुंचता है तब उन्हीं के सामने स्कॉट को आदमखोर तीनों मार कर वही खा जाते हैं ये सब देख कर कार्ली बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि काली स्कॉट के मंगेतर थी पर कार्ली को जैसी संभाल लेती है वो आगे चले जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी मिट्टी में फंस जाती है तभी वो कुछ आराम करने का सोचते हैं और एक ऊंचे वॉश टावर पर चढ़ जाते हैं टावर पर चढ़ने के बाद जब वो खिड़की में से रास्ता देखते हैं तो उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता जिससे कि वो मेन रोड पर पहुंच सके तब जेसी को एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है जिसमें वो कृषि की मरम पट्टी करती है दूसरी तरफ काली को एक रेडियो मिलता है जिससे वो संपर्क करने की कोशिश तो करती है पर उसे कोई भी जवाब नहीं आता कुछ देर बाद कृष आदमखोर को नीचे की साइड में चलते हुए देखता है और वो छुप जाता है पर वो आदमखोर लोग कृषि को देख लेते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं कृषि सारा सामान दरवाजे के पास ला रख देता है ताकि वो लोग दरवाजा न खोल सके कार्ली उस रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करती रहती है तभी आदम खुर लोग उस रेडियो के कनेक्शन को काट देते हैं और पूरे टावर को आग लगा देते हैं तभी क्रिश एक बक्सा लेकर कांच पर मारता है और कांच तोड़ देता है और वहां से एक पेड़ पर कूद जाता है और उन दोनों को भी कूदने को कहता है कुछ देर में वो दोनों भी पेड़ पर कूद जाती हैं उसके बाद वो आदमखोर लोग पेड़ पर चढ़ने लगते हैं क्रिश कार्ली जैसी पेड़ पर भागने लगते हैं कार्ली दोनों में से अलग चली जाती है तभी अचानक एक आदमखोर आकर कुल्हाड़ी से कार्ली का सर काट देता है कार्ली की बॉडी ऊपर से नीचे गिर जाती है लेकिन कार्ली का सिर वहीं रह जाता है क्रिश जेसी का मुंह बंद कर देता है क्योंकि वो चिल्लाने वाली होती है उसके बाद क्रिश टहनी को जोर से खींच कर पकड़ता है और जेसी आदमखोर को अपनी ओर बुलाती है तभी एक आदमखोर पेड़ के ऊपर चढ़कर जेसी की तरफ आता है तभी क्रिश उस टहनी को छोड़ देता है जो आदमखोर को जाकर लगती है और वो नीचे गिर जाता है तब जेसी और क्रिश दोनों जाकर एक झरने के अंदर छिप जाते हैं वहाँ पर जेसी बहुत ज्यादा रोने लगती है क्रिश उसे दिलासा देता है और चुप करवाता है दोनों रात भर वहीं आराम से सो जाते हैं और सुबह उठकर वहाँ से जाने लगते हैं तभी आदमखोर उन दोनों पर हमला कर देते हैं और क्रिश को नीचे गिरा देते हैं और जेसी को उठाकर वो अपने साथ ले जाते हैं और दूसरा आदमखोर जब कृषि को मारने आता है तभी को पुलिस वाले की कार नजर आती है जब वो उसके पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि यहाँ पर कुछ आदमखोर लोग घूम रहे हैं जो इंसानों को मार कर खाते हैं और मेरे दोस्तों को भी उन्होंने मार दिया है पुलिस वाला उनसे बोलता है कि जरा मुझे डिटेल में समझाओ आदमखोर उस पुलिस वाले की आंख में तीर मार देता है और वो मर जाता है तब क्रिश कार के नीचे छुप जाता है और जब वो आदमखोर कार के नीचे देखता है तो कृषि उसे कहीं नहीं मिलता आदमखोर पुलिस वाले की बॉडी को उठाकर उसी कार में अपने साथ ले जाता है तभी क्रिश उसकी कार के नीचे लटक जाता है और उसके बाद जेसी हमें दिखाई देती है वो उसी केबिन में होती है जहाँ पर वो लोग पहले गए थे जहाँ पर आदमखोर जेसी को बांध कर रखते हैं। अब वहाँ वो आदमखोर भी आ जाते हैं जिसने पुलिस वाले को मारा था वो पुलिस वाले की बॉडी को लेकर केबिन में आ जाता है और वो तीनों जेसी को मारने वाले ही होते हैं कि कार सीने में उस चाकू को गाड़ देता है अब कृष्ण जेसी को खोलने लगता है तभी एक आदमखोर पीछे से आकर क्रिश पर हमला कर देता है और उसके बाद जेसी उठती है और आदमखोर के सिर पर तीर से हमला कर देती है आदमखोर मर जाता है उसके बाद में जब तीसरा आदमखोर आता है तो जेसी और क्रिश मिलकर उस आदमखोर को कुल्हाड़ी से मार देते हैं उसके बाद क्रिश और जेसी बंदूक लेकर वहां से बाहर निकलते हैं और क्रिश अंदर पड़ी गाड़ी के टैंक को निशाना बनाता है और उस पर गोली चला देता है और आदमखोर के पूरे केबिन को उड़ा देता है जेसी और क्रिश दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और उसी गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां क्रिश शुरू में गया था उस कार को देख स्टेशन मास्टर दरवाजा बंद कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये वही आदमखोर हैं। क्रिश कृष्ण वहां पर मैप को फाड़ देता है और रॉन्ग टर्न से राइट टर्न की तरफ मुड़ जाता है तभी हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में बताया जाता है कि एक पुलिस वाला वहां जाता है जहां पर कृष्ण ने उन तीनों आदमखोर को मारा था वहां पर एक आदमखोर बच जाता है और पुलिस वाले पर हमला कर देता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है गाइस so कैसा लगा आपको ये मूवी रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों के साथ शेयर करें और इन्जॉय करें थैंक यू